प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रोगी है चाहे वो स्वस्थ है, उसके तनाव का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो शब्द है कैंसर। कैंसर एक बहुत ही घातक और जो जीवन की गुणवत्ता है उसको बहुत अधिक प्रभावित करने वाला एक रोग होता है। हमारे यहाँ ओपीडी में जो पाइल्स के जो पेशेंट्स आते हैं, और पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इस तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है और उनका एक ही प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब, मुझे अंदर कोई गांठ या कैंसर तो नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ा योगदान जो हम सोशल मीडिया से कुछ गलत भ्रांतियों के साथ जानकारी प्राप्त करते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो एथिक्स को फॉलो न करके रोगियों को इस प्रकार की बातों में अक्सर बताते हैं कि यदि आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये कैंसर बन सकता है। ये बहुत कॉमन सी बात है, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें इस तरीके की बातें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो पहले तो मेरा ये कहना है कि मैं केवल अब जो रेक्टल एनोरेक्टल कैंसर है वहीं तक सीमित रहता हूँ। तो पहले तो मेरा ये कहना है सभी रोगियों से, और मैं कहता भी हूँ अक्सर, कि देखिए ये जो रोग है ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, ये सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है, ये एक अनकॉमन डिजीज़ है। और पर्टिकुलरली यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर लोग अधिकांशतया जो ग्रीन वेजिटेबल्स या फाइबर रिच डाइट का यूज़ करते हैं और रेड मीट का यूज़ बहुत कम होता है। इसलिए ये बात यहाँ पर देखी गई है कि जो सी ए रेक्टम और सी ए एनल कैनाल के जो केसेस हैं वो बहुत कॉमन नहीं हैं, वो लगभग बहुत अनकॉमन सी बात है। तो इसलिए पहले तो ये मन से अपने निकाल देना चाहिए कि कोई छोटी मोटी चीज़ होने से, या किसी को सपोज़ ब्लीडिंग हो रही है मोशन पास करते हुए, तो उसको कैंसर ही होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बहुत सारे कॉमन कारण होते हैं जो सामान्यतया पाए जाते हैं, और कैंसर जो होता है गुदा का वो बहुत ही कॉमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यदि किसी रोगी को मोशन के टाइम पर ब्लीडिंग होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसको एक अच्छे विशेषज्ञ के पास जा कर के ये जांच करानी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। तो गुदा से होने वाले रक्त स्राव के बारे में हम लोग एक अलग विषय पर एक डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि एक लंबा लेक्चर होगा। यहाँ पे जो मेरा अभिप्राय है वो ये है कि यदि किसी के मन में ये शंका है कि कहीं उसको गुदा में कैंसर तो नहीं हो गया है, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि उसको ऐसा है कि नहीं। देखिए, जहाँ तक लक्षणों की बात है तो जो पाइल्स होते हैं बेसिकली, जो कि ब्लीडिंग का, या आप कह सकते हैं कि पेनलेस ब्लीडिंग का एक बहुत बड़ा कारण है, वो प्राइमरी भी होते हैं, यानी कि बिना किसी ऐसी डिजीज़ के, और कुछ बीमारियों के साथ भी वो एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो बीमारियों के साथ एसोसिएटेड जो पाइल्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी पाइल्स कहते हैं, और इसमें कुछ जो डिजीज़ हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि क्रोहन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्सेसिव स्ट्रेनिंग के कारण से पाइल्स का हो जाना, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से पाइल्स का हो जाना, या प्रोस्टेट के जो रोगी होते हैं जो पेशाब के समय बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं उनमें पाइल्स का बन जाना, या फिर जो है कोई पेट में अन्य ट्यूमर का होना, और साथ ही साथ ये जो
सी ए रेक्टम यानी कि रेक्टल और एनल जो कार्सिनोमा होता है उसके होने से वेंस के ऊपर दबाव पड़ने से भी पाइल्स बन जाते हैं, जिनको कि सेकेंडरी पाइल्स कहा जाता है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये जो पाइल्स या जो ब्लीडिंग हो रही है ये सिंपल हेमरॉइड्स की वजह से या पाइल्स की वजह से है या इसके पीछे कहीं कोई कैंसर या ऐसा कारण तो नहीं है? तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को रेक्टम में या एनल कैनाल में कैंसर होता है तो सबसे पहले उसको जो एक सिम्टम होता है वो होता है ऑल्टर्ड बाउल, यानी कि जो नॉर्मल जो हमारी आंत्र की जो गति है उसमें चेंज आ जाना, जैसे कि पहले मोशन की एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती थी और उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आना। दूसरा टेनेस्मस, उस रोगी को जिसको रेक्टम में कैंसर है उस रोगी को बार बार मोशन जाने की इच्छा लगी रहती है और थोड़ा सा जो मोशन आता है उसमें ब्लड मिक्स और वो ब्लड का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई बार अगर वो ब्लड वहाँ पे अंदर कलेक्टेड है तो क्लॉट भी हो सकते हैं उसमें, और वो बार बार उसमें साथ टेनिस में, जिनके रोगी को ये लगता है कि फिर जाना चाहिए मोशन, फिर जाना चाहिए मोशन। एक्सेसिव ब्लीडिंग से अंदर एनीमिया यानी कि रक्त की कमी भी हो जाती है और साथ ही साथ नीचे जो एनल कैनाल है वहाँ पे कुछ फीलिंग ऑफ फुलनेस बनी रहती है। तो देखिए, सिम्टम एक बहुत छोटी चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ तक रेक्टल और एनल कैंसर की बात है तो इसका पता बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। जब आप एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि हाथ में ग्लव्स पहन करके अपनी फिंगर से एनल कैनाल और रेक्टम की जांच करता है। तो लगभग लगभग जो रेक्टम के निचले हिस्से वाले और एनल कैनाल के जितने भी मैलिग्नेंसी होती हैं वो सिंपल इस एग्जामिनेशन से पता लग जाती हैं। 70-80% जो मैलिग्नेंसी होती है वो पता लग जाती हैं, और इसके बाद यदि उस डॉक्टर को कोई डाउट लगता है तो वो तुरंत एक कोलोनोस्कोपी एडवाइस करता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोलन, और वहाँ पे यदि जो कोलोनोस्कोपी करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, वो उस ट्यूमर से एक पीस लेते हैं बायोप्सी का, और उस बायोप्सी की रिपोर्ट में ये कन्फर्म हो जाता है कि ये एक इसमें कोई कैंसर है या नहीं है। तो इसलिए गुदा के कैंसर की जहाँ तक बात है तो उसका डायग्नोसिस कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वो एक डॉक्टर के द्वारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी हो सकता है, और यदि डॉक्टर उसको और आगे कन्फर्म करना चाहे तो वो एग्जामिनेशन जो है कोलोनोस्कोपी के लिए भेज सकता है, और कोलोनोस्कोपी से लगभग लगभग सारे केसेस में हम इस कैंसर का पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि रोगियों को इस पर बहुत अधिक एप्रीहेंशन छोटी सिम्टम को लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कैंसर के अलावा जो और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। तो देखिए, हम एक ओपीडी में रोज़ हमारे पास लगभग 100+ पेशेंट्स आते हैं हमारी ओपीडी में, कई बार 150 भी हो जाते हैं, लेकिन 100-125 तो हमेशा रहते ही हैं। तो उन 100-125 पेशेंट्स में हमारे पास लगभग लगभग जो सारे पेशेंट्स होते हैं उनमें कोई हेमरॉइड्स या पाइल्स का होता है, कोई फिशर का होता है, कोई फिस्टूला का होता है, लेकिन जब मैलिग्नेंसी की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास हार्डली महीने में एक पेशेंट हम लोग डायग्नोस करते हैं। अब आप समझ जाइएगा कि एक बहुत कॉमन ये फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक अनकॉमन टाइप का फिनोमिना है, लेकिन फिर भी हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जब भी ऐसा हमको लगता है कि गुदा से रक्त स्राव हो रहा है तो उसको तुरंत जो है हमको अटेंशन, मेडिकल अटेंशन उसकी लेनी चाहिए, और मेडिकल अटेंशन के साथ ही हमको बेसिकली उसका डायग्नोसिस और उसका डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमको देखने चाहिए। तो अनेक बार ये भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे जो पेनलेस ब्लीडिंग है उसको, या पेनफुल ब्लीडिंग है, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो
हैं वो बताए गए हैं कारण यहाँ पे, तो उनके ऊपर फिर एक सेपरेट उसमें चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य था वो रोगियों को यही बताने का था कि ये डिजीज़ है सी ए रेक्टम, इसका डायग्नोसिस आसान है और जहाँ तक संभव हो सके हमको रोग के एडवांस होने से पहले जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि यदि किसी रोगी में बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी जो स्टूल है उसका कलर कुछ चेंज हो रहा है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी जो बॉवल हैबिट्स है जैसे वो पहले मोशन जाता था उसमें कुछ चेंजेस आने लगे हैं वो बदल रही है उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, कुछ वीकनेस फील हो रही है, एपेटाइट कम हो गई है, यदि इस प्रकार की चीज़ें निरंतर हो रही हैं तो उनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उनका उचित समय पर परामर्श लेकर के किसी योग्य चिकित्सक के पास जा करके उसके डायग्नोसिस की व्यवस्था होनी चाहिए और रोग का पता लगते ही यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उसके ट्रीटमेंट के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो आज की चर्चा में हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।